स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जो फोर मेशर्स यानी चार अलग अलग मेशर्स बनाई गई है कमेटी थ्रू, कमेटी थी श्री राजकृष्ण कमेटी रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में जो कमेटी ने सैंक्शन किया था या रिपोर्ट बनाई थी उसके अनुसार चार भागों में उसे डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट वाला पार्ट आ जाता है टाइम। टाइम मीन्स समय। इफ़ एनी पर्सन हैज़ विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू वर्क बट डज नॉट गेट वर्क फॉर देम मोर देन 28 आवर्स अ वीक ही इज सेड टू बी इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। बट दोज हु आर एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 28 आवर्स एंड लेस देन 42 आवर्स इन अ वीक देन दे आर कंसिडर्ड एज लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड। अब टाइम के अनुसार यानी समय के अनुसार ये घोषित किया गया है कि 28 घंटे में 28 घंटे जो हैं वीक के यानी एक सप्ताह में 28 घंटे जो हैं वो अगर अनएम्प्लॉयड रहते हैं यानी उस टाइम पे वो खाली बैठे रहते हैं। 28 घंटे का मतलब होता है डेढ़ दिन यानी एक दिन पूरा और चार घंटे। तो 28 घंटे अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं तो वो शॉर्ट टर्म यानी छोटे से पीरियड के लिए हैं तो उनकी गिनती जो है वो बेरोजगारी में नहीं होती है। लेकिन अगर वो 28 घंटे एंड लेस देन 42 आवर्स यानी कि 28 घंटे से ज़्यादा और 42 घंटे से कम या 42 घंटे तक अगर वो बेरोजगार रह जाते हैं तो उनको ऐसा माना जाता है कि लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड यानी उनकी जो समस्या है वो कोई इतनी बहुत भारी गंभीर समस्या नहीं है, नॉर्मल है। अब सेकेंड वाला आ जाता है पॉइंट इनकम। When a person gets very less income which cannot be solved the problem of face poverty then from income point of view he is poor. In rural area especially this type of poverty is seen. अब इनकम के तरीके से देखेंगे। When a person gets very less यानी कि अगर इंसान को बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं किसी भी काम के लिए तो फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू तब उसे इनकम पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से देखा जाए तो वो बहुत ही गरीब माना जाता है। ही इज पुअर। इन रूरल इंडिया यानी कि अपने भारत के ग्रामीण इलाके में स्पेशली दिस टाइप और वहाँ पर इस तरह की समस्या हमेशा गरीबी हमेशा दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन रिक्वायर्ड रुपीज़ 30,000 पर मंथ फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ हिज फैमिली बट अर्निंग रुपीज़ only 15,000 or less than that from this present job. अब हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं क्योंकि देखिए अगर अपनी पर मंथ की जो वेटेज है यानी कि हमारे जो खर्चे हैं अगर वो 30,000 प्रति मंथ हो रहे हैं और इंसान की कमाई जो है वो सिर्फ प्रति महीने 15,000 ही आ रही है तो उस तरह के जॉब को कहा जाता है कि लेस देन दैट यानी खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम यानी खर्चा रुपया और आमदनी अठन्नी ये वही वाला सिस्टम हो जाता है। तो अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना थर्ड विलिंगनेस। विलिंगनेस यानी इच्छाएं। तो जब इंसान इच्छा से काम करेगा और बिना इच्छा के काम करता है तो उसका डिफरेंस होता है। व्हेन ए पर्सन इज एलिजिबल ऑफ गेटिंग गुड जॉब बट ही डज नॉट गेट जॉब। जब इंसान चाहता है या इंसान उस लायक है कि उसे सही तरह का जॉब मिल जाए और वो करना भी चाहता है तब क्या होता है। इंसान चाहता तो एज पर ही सर एलिजिबिलिटी एंड एक्सेप्ट लोअर कैट द जॉब एंड गेट्स वेरी लेस इनकम फ्रॉम द जॉब देन ही इज अनएम्प्लॉयड अंडर एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल इफ सी ए हैज़ टू वर्क एज क्लर्क। अब देखें ऐसा एग्जाम्पल इसलिए सेट किया गया है कि विलिंगनेस उसकी इच्छाएँ होती हैं ज़्यादा काम करने की और ज़्यादा पगार पाने की लेकिन उसे जो काम मिलता है वो उसकी एलिजिबिलिटी यानी उसकी इच्छा विरुद्ध मिल जाता है। जैसे कि हम मानेंगे कि पढ़ाई ज़्यादा किया होगा खर्चा ज़्यादा किया होगा लेकिन कमाई का सोर्स बहुत कम। जैसे कि एक सीए जो है अब सीए की जो सैलरी लाखों में आनी चाहिए लेकिन अगर वो किसी कंपनी में क्लर्क के तौर पर काम कर रहा है तो मतलब वो बेरोजगारी हटाने के लिए काम कर रहा है लेकिन उसको उससे कोई फ़ायदा नहीं है वो उससे लॉस में जा रहा है। इस तरह से अभी फोर्थ पॉइंट है अपना प्रोडक्टिविटी। व्हेन ए लेबरर इज़ वर्किंग विथ लेस देन हिज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी देन प्रोडक्शन इज लेस देन हिज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब व्हेन ए लेबरर यानी कि जब वो कारीगर जो होता है जो कड़िया होता है वो क्या करता है इज़ वर्किंग
विथ लेस देन हिज एक्चुअल, यानी कि वो जितना कर सकता है उससे वो अपनी मेहनत कम करता है, और जो मेहनत कम करता है उसके कारण उसका जो प्रोडक्शन है यानी उत्पादन वो भी कम हो जाता है। अब उत्पादन जो कम हो जाता है उसके कारण क्या है, जितने की वो कैपेसिटी है उसकी, उसके अनुसार उसको कम मिलता है। एग्जाम्पल, ए पर्सन कैन टेक 20 meter क्लॉथ्स इन ए डे बट गेट्स ए जॉब वेयर ही कैन मेक ओनली 10 meter क्लॉथ्स। अब इंसान की जो काबिलियत है वो 20 meter कपड़े एक दिन में पाने की है, लेकिन वो जहाँ जॉब करता है वहाँ पर उसे सिर्फ 10 meter ही कपड़े मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एबोव मेजरिंग रॉड्स अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग टाइप्स, और इसी तरह से ये जो ऊपर के मेजरिंग रॉड्स हैं यानी ये जो चार तरीके बताए गए हैं उसको अलग अलग तरीके से किस तरह से डिवाइड किया है, कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग टाइप्स, यानी अब उसको अलग अलग जैसे कि मीनिंग क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे।